फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल गार्डनिंग एटीज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इंडोर गार्डन की सैर कराती हूँ। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये मेरा घर का एंट्री गेट, और यहाँ पे मैंने अपने साइड में रखा हुआ है एक मनी प्लांट। बहुत अच्छा मनी प्लांट मेरा ये चल रहा है। और ये एक स्टैंड पर मैंने ये पॉट्स रखे हुए हैं, टेबल पाम, एरिका पाम की छोटी वेराइटी जो होती है। और एक जीजी प्लांट लगाया हुआ है मैंने, एक कटिंग ही मैंने लगाई थी। और एक ही कैक्टस, ये पॉट मेरा खाली पड़ा है, इस पर मैं लगाऊंगी प्लांट अभी। और ये देखिए, और ये सब जो भी प्लांट्स मैं आपको आज दिखा रही हूँ, इन सब की जो है कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हैं। कटिंग से भी तैयार होने वाले प्लांट्स हैं ये इस टाइम। ये देखिए, ये सेंसिवेरिया, ग्रीन सेंसिवेरिया, ये हमारा एग्लोनीमा, स्नो वाइट एग्लोनीमा, ये भी सेंसिवेरिया जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये कितना डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके पप्स निकल रहे हैं चारों तरफ से। और ये हमारा सिंगोनियम, देखिए सिंगोनियम, छोटे पत्ते वाला सिंगोनियम है ये। और एक ये है रबर प्लांट, रबर प्लांट देखिए कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। दो कटिंग मैंने इसमें लगाई हुई है रबर प्लांट की। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, नई नई लीव्स इसमें निकल कर आ रही हैं। इन सब प्लांट्स की कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हैं, बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो जब भी चाहे आप कटिंग इसमें ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा डैफन बेकिया, डैफन बेकिया भी देखिए नई नई लीव्स निकाल रहा है। और क्रोटोन, ये हमारा क्रोटोन बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इन सभी प्लांट्स को जो है आपने देखिए, मनी प्लांट कितना बड़े लीव्स वाला मनी प्लांट है। मनी प्लांट में अगर आप इस तरह से मॉस्टिक लगा कर रखेंगे तो इसकी पत्तियां इस तरह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और हमें अब सभी इंडोर प्लांट्स पे अपने शावरिंग जरूर करनी है। शावरिंग बहुत पसंद होती है इंडोर प्लांट्स को, तो इसी से ये खुश रहते हैं। आप इनको चाहे फर्टिलाइज़र कम दीजिए, लेकिन शावरिंग ज़रूर करते रहिए गर्मी के टाइम में, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करते रहते हैं। तो देखिए, इसमें भी नई लीव्स निकाली हैं क्रोटन ने, ये सब नई ग्रोथ इसमें निकल कर आ रही है। और ये हमारे स्नेक प्लांट्स, और एक मैंने ये रखा हुआ था क्लांचो, क्लांचो की कंडीशन इस तरह हो गई है। दो प्लांट मेरे यहाँ ऊपर रखे हुए हैं। और एक ये है, ये क्रोटन है, येलो डॉट्स वाला क्रोटन है, पर इसके डॉट्स इस पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वेरिगेशन इसका नहीं आ रहा है। इस तरह से वेरिगेशन इस पर होता है, ये वेरिगेशन नहीं है क्योंकि छाव में पड़ा हुआ है। और मुझे लग रहा है इस पर स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हो गया है, थोड़ा उड़ रहे हैं हवा से हिलाने पर। और ये एग्लोनीमा, ये देखिए दो एग्लोनीमा मेरे, और मैंने ये देखिए 10-10 लीटर के मर्तवान में उगा रखे हैं, और ना ही इनमें कोई होल है नीचे, कोई ड्रेनेज होल नहीं है। और मैं लेकिन इसमें जो है वाटरिंग बहुत कम करती हूँ, सिर्फ इतना ही पानी डालती हूँ जितना कि जब मैं इन पर स्प्रे करती हूँ पानी इसके ऊपर, तो उतना ही पानी इसमें डलता है। ये देखिए, इसमें नई नई लीव्स निकल रही हैं। तो ये था मेरा इंडोर गार्डन। ये देखिए, इस तरह से स्टेयर्स पे मैंने रखे हुए हैं प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, ये था सारा मेरा इंडोर गार्डन। आपको मेरी इंडोर गार्डन की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।